हाय, मेरा नाम गौरव दुबे है। मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि चैट जीपीटी के थ्रू क्रिएटेड जो कंटेंट होता है, चैट जीपीटी के थ्रू डेवलप्ड जो कंटेंट होता है, अगर हम उसका यूज अपने एसईओ पर्पस से करें तो क्या वो कंटेंट गूगल गाइडलाइंस के अगेंस्ट होगा या फिर गूगल गाइडलाइंस के फेवर में होगा। तो देखिए, जॉन मुलर ने बहुत पहले ही डिस्कस करके बताया हुआ था कि जिस तरह से हम लोग किसी भी कंटेंट को डुप्लीकेट बनाते हैं तो वो स्पैम में डाला जाता है गूगल में ऑलरेडी। अगर कोई डुप्लीकेट कंटेंट हम लोग यूज करते हैं तो वो स्पैम में डाला जाता है। इन द सेम वे, अगर कोई एआई के थ्रू कंटेंट को डेवलप करता है और डेवलप करने के थ्रू वो उसके सिनोनिम्स को यूज करता है, एआई कोई भी वर्ड के सिनोनिम्स को यूज कर रहा है, किसी भी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में यूज कर रहा है, तो उस तरह के कंटेंट को भी गूगल आसानी से डिटेक्ट कर लेता है और उसको भी स्पैम में ही डाल देता है। तो आप अगर चैट जीपीटी से यूज कंटेंट को यूज करना चाहते हैं तो आप इनविजिबल वाटर मार्किंग टेक्निक्स के बारे में एक बार ज़रूर पढ़िए, क्योंकि कोई भी एआई के थ्रू जनरेटेड कंटेंट के अंदर में इनविजिबल वाटर मार्किंग होता है जो आसानी से डिटेक्टेबल होता है किसी भी सर्च इंजन के एल्गोरिदम के द्वारा। तो आप डायरेक्ट वे में अगर एआई से जनरेटेड कंटेंट को यूज करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसको एक बार पढ़ें, उसको पैराफ्रेज कर लें और पैराफ्रेज करने के बाद यूज करें ताकि गूगल उसको आसानी से डिटेक्ट ना कर पाए। अदरवाइज आपकी वेबसाइट को पेनल्टी मिल सकती है और ये आपके करियर के लिए और आपकी वेबसाइट के लिए भी काफ़ी हार्मफुल हो सकता है। तो कोई भी एआई से जनरेटेड कंटेंट को डायरेक्ट वे में आपको अपनी वेबसाइट में कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। जो कॉपीड कंटेंट है ये उससे थोड़ा बेहतर होता है और इसकी यूनिकनेस आपको मिल सकती है। प्लेजरिज्म टूल से अगर आप जाएंगे देखने तो 100% यूनिक कंटेंट होगा, लेकिन ये फिर भी आसानी से सर्च इंजन के द्वारा डिटेक्टेबल है और ये हमेशा वेब मास्टर के गाइडलाइंस के अगेंस्ट ही होता है। So don't try to use the AI generated content on your blog or your website. And if you like the video, please subscribe the channel. Thank you so much.